टाइगर 3 को सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। टाइगर 3 के पास सब कुछ आ गया है, एक बेहतरीन डायरेक्टर, एक्टर्स, एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन विलन, और अगर बात की जाए दोस्तों तो एक बेहतरीन स्टोरी राइटर। पहले जयदीप सर का नाम सामने आ रहा था दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जयदीप सानी जिन्होंने चक दे इंडिया लिखी है, कंपनी लिखी है, खोसला का घोसला लिखी है, इनका नाम सामने आ रहा था कि ये मनीष शर्मा के साथ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके साथ मिलकर जो है फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन अब बताना चाहता हूं कि ये नहीं बकायदा कोई और है जो कि इस फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है। मैं राहुल बोस स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पिंक विला की इस रिपोर्ट के बारे में कि आखिरकार ये फिल्म यानी कि टाइगर 3 कैसे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट बनेगी। वैसे इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी, कोरोना पैंडेमिक के चलते जो है रुक गई, लेकिन हाँ इतनी उम्मीद है कि जून में फिर से रिज्यूम होगी। फिर उसके बाद दोस्तों ये भी खबर है कि मल्टीपल लोकेशंस जो कि यूरोप में है, खूबसूरत देश जो है, वहां पर भी इसकी फिल्म की शूटिंग होगी। अब वो तो भाई बात की बात है, लेकिन अभी बात करते हैं हम कि इसकी कहानी कौन लिख रहा है। तो दोस्तों पिंक विला की इस रिपोर्ट में नाम सामने आया है कि YRF हेड यानी कि आदित्य चोपड़ा और श्रीधर राघवन जिन्होंने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर लिखी थी, इन दोनों ने मिलकर स्क्रीन पे इसका टाइट कर दिया है टाइगर 3 का, और स्टिल इसमें चेंजेस चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट सामने आई है और आदि राघवन जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एडमेंट है कि हम लोग इस फ्रेंचाइज को एक अलग आयाम पर पहुंचाएंगे, एक अलग लेवल पर पहुंचाएंगे। कैटरीना कैफ और टाइगर, कैटरीना कैफ का जोया और टाइगर यानी कि सलमान खान का टाइगर, दोनों ही बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इस बार विलन से निपटेंगे। इस बार तो इमरान हाशमी की भी एंट्री हुई है ISI एजेंट के रूप में, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग खबर है, इजंट इट? व्हाट्स योर रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। इजाजत दे मुझे।